आज हम आए हैं खलंगा। देहरादून के नालापानी क्षेत्र में स्थित ये स्थान प्रसिद्ध है गोरखाओं के पराक्रम और वीरता के लिए। आइए हम भी देखते हैं क्या कुछ खास है इस मेले में। गोरखा फौज के सेनानायक बलभद्र की याद में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध खलंगा मेले का भव्य रूप से शुभारंभ हुआ। अभी हम मौजूद हैं खलंगा युद्ध स्मारक पर। खलंगा का मतलब है एक टेम्पररी दुर्ग, तो वो यहाँ पर आके उन्होंने किया है। उनके पास में बहुत ज़्यादा फौज नहीं थी, करीबन ऐसे थे 700 के करीब व्यक्ति उनके पास में थे टोटल फौज मिला के, जिसमें गढ़वाली कुमाऊनी भी थे और गोरखा थे, और उसको नेतृत्व जो है कुंवर बलभद्र कर रहे थे। तो उन्होंने आके यहाँ पर ऑक्यूपाई किया। तो जब जिलिस्पी की फौज यहाँ पर आई तो पहला अटैक उन्होंने यहाँ पर इसको इस पूरा एरिया को चारों तरफ से घेर लिया था उन्होंने। उनके पास में बहुत बड़ी फौज थी, एक डिवीज़न बहुत बड़ी फौज होती है, करीब 3500 से लेकर 4000 तक के करीब आदमी होते हैं, और इनके पास थे टोटल 600-700 के करीब आदमी, जिसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, सब होते। तो उनका पहला हमला जब उन्होंने किया यहाँ पर अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 1814 में, तो वो पहला हमला वो फेल हो गया, क्योंकि जो यहाँ के लोग बैठे हुए थे, जो योद्धा बैठे हुए थे, उन्होंने उनको बड़ी अच्छी शिकस्त दी उनको, और वो यहाँ से वो हमला नहीं कर सके, वो वापस हो गए यहाँ से। खलंगा का जो 45वां मेला यहाँ ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना पुराने समय से ये चलते आ रहा है। इसका आयोजन उसी बेस पर किया जाता है कि हम सबको एकत्रित करके उत्तराखंड की संस्कृति जो है वो दूर दूर तक पहुँचे। हमारे समुदाय का जो काम है वो यही है कि हम सौहार्दपूर्ण माहौल का यहाँ प्रचार करें, और जितने भी हमारे उत्तराखंड के लोग हैं वो मिलजुल कर इस चीज़ को करें। हम चाहते हैं कि इस सौहार्दपूर्ण माहौल को हम अपनाते रहें और हम हर एक के दुख सुख में और सुख दुख का उसके प्रेरित हों और उनकी सबकी मदद करें और सब साथ होकर सबका विकास करें, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे हमारे हरित क्रांति हो, और जितने भी हमारे उत्तराखंड में और मेले भी लगते हैं उसको भी इसी तरह से बढ़ावा मिले। आज इस प्रांगण में बलभद्र खलंगा विकास समिति की ओर से आयोजित 45वां खलंगा मेला आयोजित हो रहा है। आप देखिए इस रमणीक स्थल में सभी जन समूह हमारे लोग एकत्र हैं और स्थानीय लोगों ने यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, बैंड डिस्प्ले, आर्मी के बैंड डिस्प्ले, सुप्रसिद्ध खुकरी डांस का भी यहाँ पर आयोजन होने जा रहा है। इस मेले का मुख्य आकर्षण आर्मी बैंड और खुकरी नृत्य के साथ नेपाली लोक नृत्य रहा। सुना है सुनाने वाली।
दुष्कर को अफगानिस्तान मां दुश्मन माने वीर खान गोरखा को अफगानिस्तान मां दुश्मन माने वीर खान गोरखा को मलाई माया घर में के सोज सिंपल है।
देहरादून में लगे हुए इस मेले में देहरादून से ही नहीं बल्कि देहरादून के बाहर से भी कुछ लोग घूमने आए हुए हैं। चलिए आइए उनसे बातचीत करते हैं, कैसा कुछ लगा इस मेले में आके और कैसा कुछ लगा उत्तराखंड में घूम के। अच्छा लगा काफ़ी, यहाँ के लोग बाग अच्छे हैं, जगह भी अच्छी है, मेला भी बहुत अच्छा है। आप बताएँ क्या कुछ लगा उत्तराखंड में आके और मेले में क्या कुछ आपने इंजॉय किया। मेले में यहाँ पे समारोह हो रहा है, इसमें मतलब जो भी शास्त्रीय संगीत हो रहा है वो है, यहाँ पे खाने पीने की इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, पुलिस प्रशासन का काफ़ी अच्छा रोल है, यहाँ पे सब मैनेज कर रहे हैं, तो तब का मिला जुला इफेक्ट काफ़ी अच्छा है। खाने के तौर में अगर बात की जाए तो खाने में कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है अभी तक? जैसे यहाँ पे पाव भाजी खाई थी, मोमोज खाए थे, तो आई गेस अच्छे लगे काफ़ी। आज के मेले के बारे में जैसा हम लोग को पता चला था न्यूज़पेपर के थ्रू कि जो है खंगला मेला एक होता है, तो हम लोग बाहर से आए हुए हैं तो देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जैसा कि पहली बार आए हुए हैं तो देखा यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति देख करके मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बाकी क्या है कि जो है मतलब सब बढ़िया। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ मेले में, मैं भी कानपुर से हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, हम दोनों फर्स्ट टाइम मेले में आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग को मेले में। मैंने काफ़ी सुना था पहले कि ये काफ़ी चीज़ें कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं,
फर्स्ट टाइम आई, बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा किया लोगों ने, और यहाँ के जो इनका खाना है वो टेस्ट किया, वो भी काफ़ी अच्छा था। थोड़ी कुछ कुछ कमियाँ हैं जो अभी मतलब शायद बाद में और इम्प्रूव करेंगे। ये इनका कल्चर देखने को मिला पूरा, इनके जो ड्रेसेस होते हैं, ज्वेलरी होती है, हर चीज़ काफ़ी कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला, और यहाँ का मतलब मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा मेले में गोरखा समाज में बनने वाले विभिन्न प्रकार के पकवान भी लोगों को खूब भा रहे हैं। आकर्षण अगर देखा जाए तो खाना होता है। यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ लोग खाने को एंजॉय करते हुए देखे जा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि मेले में जो ये खाना बना हुआ है उसको वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। अभी सेल रोटी और आलू की चटनी खा रहे हैं, बहुत टेस्टी है, यम्मी एकदम। इस मेले में आपने और क्या क्या चीज़ें एंजॉय की खाने के अलावा? बस डांस वगैरह देखा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा, हमने अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। हमें कहाँ से है? विकास नगर। तो कैसा लगा आज मेले में आके? बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। आप बताएं क्या बताऊँ, बस अच्छा है। खाने के बारे में बताएं, प्रोग्राम क्या? खाना तो यहाँ पे आपको पता ही है, गोरखाली का खाना कैसा होता है, तो खाना तो अच्छा ही है, सब कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ है। पहली बार आए हम लोग यहाँ पे ना, विकास नगर से, तो अच्छा लगा। आपने कहा कि पहली बार आप आए हैं, तो क्या चाहेंगे कि दूसरी बार भी आएँ? हाँ, दूसरी बार भी आएंगे। यहाँ से बाहर जाके लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि ये ऐसा है ना कि बहुत वो पुराना वो है, किसी को पता नहीं है इस बारे में ना, तो हम बताएंगे जाके कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, यहाँ पे खंगाला उसमें मेला चलता है, तो बताएंगे सारा कुछ। आज के मेले में अट्रैक्ट करने वाली बात आपको सबसे ज़्यादा क्या लगती है? यहाँ पे जो भी चल रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह, वो भी अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, सब अच्छा है। गोरखा समाज के इस मेले में गोरखालियों के भी कई प्रकार के व्यंजन यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। आइए हम जानते हैं क्या कुछ ये व्यंजन है, क्या कुछ इनकी खासियत है। ये हमारे गोरखाली व्यंजन बोलते हैं इसको, ये चाहे चावल के आटे और मैदा चीनी वगैरह मिक्स करके उसकी घोल बन के बनाते हैं। ये हमारी गोरखाली व्यंजन है, गोरखाली उस ये समाज में बनती है ये ना, ये तीज त्योहारों में भी बनती है और ऐसे ऐसे कभी कभी बनती है ये। सुबह से कितनी सेल आपकी हो चुकी है? मेरा हो गया लगभग, जो बनाया था ना मैंने वो लगभग खत्म हो गया। लोग काफ़ी पसंद कर रहे? हाँ जी, काफ़ी पसंद कर रहे हैं जी। देहरादून का खलंगा मेला वैसे तो गोरखा समाज का मेला है, लेकिन इसमें सभी समाज के लोग आ रहे हैं और आकर्षित हो रहे हैं। आइए हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ उन्होंने इन्जॉय किया मेले में और क्या कुछ नया सीखने को मिला। मेरा नाम नितेश छेत्री है, मैं एक्चुअली बेसिकली यहीं से हूँ, नाला पानी से। तो हम तो वैसे हर साल ही आते हैं यहाँ पर जैसे जैसे पहले जब हम छोटे में आते थे तो काफ़ी भीड़ इतनी नहीं रहती थी, सिर्फ हम ही लोग गांव वाले आते थे, तो और ज़्यादा जो गोरखाली समुदाय जो हमारे परिवार वाले वही लोग आते थे। लेकिन अब कुछ तीन चार सालों से ऐसा हो रहा है कि हर समुदाय के लोग आ रहे हैं, लड़के लड़कियाँ छोटे बड़े हैं, और यहाँ पर अब इतनी भीड़ हो रही है कि आप देख ही रहे होंगे कि पार्किंग की तक किस जगह नहीं हो रही। वो तो खैर यहाँ पर जंगल है, इस वजह से गाड़ी वाड़ी की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो बहुत अच्छा मेला ये, और भी इसे फेमस करना चाहिए, तो इससे हमारा देहरादून का नाम भी होता है, गोरखाली समुदाय का भी नाम थोड़ा बड़ा होता है। तो मेले में अगर मुख्य आकर्षण की बात की जाए तो आपको क्या लगा, क्या कुछ ऐसा था जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था? इसमें मुख्य आकर्षण में तो एक तो जो पारंपरिक तरीके से लोग नृत्य कर रहे हैं, डांस वगैरह हो रहा है, गोरखाली डांस हो रहा है, और जो यहाँ पर सेल रोटी वगैरह जो हमारे जो पुराने लोग जो बनाते थे, सेल रोटी हो गया, भुनी भुटवा हो गया, तो वो सब यहाँ पर काफ़ी लोगों ने खाया नहीं होगा सेल रोटी ना, जो दूसरे टाइप समुदाय के लोग हैं, तो उन्होंने यहाँ पर आके वो टेस्ट करने का मौका मिल रहा है। विभिन्न प्रकार के खिलौनों से भी सजी दुकानों पर बच्चों की भीड़ देखते ही बन रही थी। देहरादून में लगने वाले खलंगा मेले में आज हम आए हुए थे, जाना कि यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। इसके अलावा कई सांस्कृतिक रंग भी हमें देखने को मिले, कहीं आर्मी के बैंड की मधुर ध्वनि तो कहीं खुकरी नृत्य के रूप में सेना का पराक्रम भी हमें देखने को मिला। जल्द मुलाकात होगी एक और नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।